तो हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे। आज दिन है सैटरडे का, और अभी जैसे पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया कि हम लोग निकलने वाले हैं अभी ओखला के लिए। अभी दोपहर के बज रहे हैं 3, तो तकरीबन 6-7 बजे तक निकलेंगे यहाँ से, क्योंकि रास्ते में बहुत ज़्यादा जाम मिलता है आश्रम पे बहुत ज़्यादा जाम मिलता है। तो इस वजह से अभी ऐसे टाइम पे जाएंगे जो वहाँ पे जाम ना मिले। तो आप लोग बने रहिए हमारे साथ व्लॉग में। आई होप कि शायद ये व्लॉग भी अच्छा बन जाए कुछ, क्योंकि अभी बहुत ज़्यादा गड़बड़ी हो गई हमसे, व्लॉग अभी बिगड़ गए हमारे। शादी के बाद आए, थोड़ी थकान हो गई बहुत ज़्यादा शादी से निपट के। फिर मेरठ गए फरीन को लेने के लिए, मतलब काफ़ी सारे 3-4 चक्कर तो अभी मेरठ के ही लग गए जल्दी जल्दी में। हाँ हानिया, क्या कर रही हो आप? तो अभी इस वजह से हमारे थोड़े से व्लॉग जो है वो बिगड़ गए, मगर इंशाल्लाह आपको पता है आपका प्यार साथ रहता है हमेशा हमारे, हम भी जानते हैं इस चीज़ को और इन व्लॉगों को सुधार लेंगे। हाँ मेरा बच्चा, हाँ क्या कर रही हो आप? देखिए हानिया जो अपने डैडी को बहुत प्यार करती है, बहुत प्यार है ना। कितना प्यार करती हो हानिया आप डैडी को अपने, जल्दी से बता दो, सबको बता दो। बहुत ज़्यादा प्यार करती है अपने डैडी से, और डैडी भी जीजी की रानी है। वो भी गुस्सा आ गया। नहीं नहीं नहीं, मैं कुछ नहीं कह रहा आपके बारे में, नहीं कुछ नहीं कह रहा मैं। ओए 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 ओए, ये प्यारी सी जा रही। हाँ अभी जैसे आप कर रही थी अभी करके दिखाओ दोबारा से सबको, जल्दी से खड़ी हो। अच्छा खड़ी हो पहले। अरे यार बड़ी मुश्किल है खड़ी होने में, जल्दी से। हाँ जल्दी से, ऐसे जैसे अभी आप कर रही थी ना, डू ऐसे कर रही थी ना, आप करके दिखाओ जल्दी से। हाँ देखिए अपना इसे गुस्सा आने लगा बहुत ज्यादा, मतलब इसके दांतों में कुलबुली हो रही है ना, तो गिचगिची सी चढ़ती है से एकदम से, जैसे चढ़ती नहीं बच्चों को। देखो 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 देखो, हानी हानी ऊपर करके दिखाओ, ऊपर मुंह करके दिखाओ यार जल्दी से। आप दिखा नहीं, देखना हमारे व्यूअर्स को, अभी तो आप करती हो, जब कैमरा सामने आता ना तो ये सब कुछ करना छोड़ देती है बिल्कुल। करो 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 जल्दी से। तो आप लोगों को एक बात और बतानी थी कि मेरी इंस्टाग्राम आईडी जो है वो athar.ahmed.1253 है। अगर कुछ लोग नहीं जानते हों, जो लोग हमारे यूट्यूब पे जुड़े हुए हैं, हमारे सब्सक्राइबर जो हैं, तो उनको मैंने सोचा कि बता दूं आज। तो आप उस पर भी हमारे थोड़े थोड़े शॉर्ट्स डले हुए हैं, कॉमेडी वगैरह के ऐसी छुटपुट डाले हैं। अगर रिस्पॉन्स अच्छा रहा तो इंशाल्लाह उनको बढ़ाएंगे आगे। तो जिन लोगों को नहीं पता उन लोगों को मैंने बता दिया है, तो हमारे इंस्टाग्राम को भी आप फॉलो कर लीजिए। देखिए गाइस, इसके हाथों में है ना मेरी शेप की वजह से गुदगुदी हो रही है, हंस रही है। अनु करके दिखाओ जल्दी से। आ हा जल्दी से करके दिखाओ, हंस के दिखाओ। तो नहीं नहीं कर लिए हानिया ने, और हानिया नहा चुकी है। ये हमारे घर की दीवारें उखड़ चुकी हैं बिल्कुल। अब हमारा टाइम आ चुका है इस घर को खाली करके जाने का, और इंशाल्लाह जो देखा है वो शायद इससे बेटर ही है, दिखाएंगे आपको जब पहुंच जाएंगे वहां पे। अभी कुछ नहीं दिखा रहे आप लोगों को, सरप्राइज देंगे। ये दीवार काफ़ी दिन पहले, इसमें यहाँ पे पानी आ गया था जब बारिश हो रही थी, तो इसकी वजह से ये ख़राब हो गई थी। मनो उड़ जाओ तो अभी जो है इसको सही भी नहीं कराई, कि जब इसे हमने सेल करी दिया तो इसे कैसे ही कराना। तो अभी जो लिया है वो भी आपको दिखाएंगे इंशाल्लाह हमारी वीडियो में। बस आप लोग हमारे साथ बने रहिए, और चैनल को हमारे सब्सक्राइब करते रहिए, है ना भाई। और गाइस ये जो गद्दा बिछा हुआ है, पहले मैं ये शर्ट लाया था खरीद के, जब मैं ये शर्ट ले आया तो ये, फिर उसके बाद हमारे घर में ये गद्दा आया, पता चला कि ऐसी शर्टों के गद्दे बनते हैं या ऐसे गद्दों की शर्टें बनती हैं, तो बड़े दिल को तकलीफ पहुंची। तो मगर शर्ट नहीं थी तो पहननी ज़रूरी थी, मैंने सोचा कोई बात नहीं, देखिए गद्दे में मैच हो रही है बिल्कुल। तो खैर कोई बात नहीं, अभी सिलवा ली थी, मतलब रेडीमेड ली थी, तो अगर ये मेरे सामने गद्दा पहले आ जाता तो शायद मैं वाली शर्ट ना लेता। अभी दोनों मैचिंग हो रहे हैं, एक सा डिज़ाइन है दोनों का, तो खैर कोई बात नहीं। तो गाइज अभी हम लोग जा रहे हैं ओखला, शाम के बज चुके हैं तकरीबन 6, मगरिब का टाइम हो चुका है। मैं गया हुआ था ज़रा किसी काम से जाफराबाद, और भी कुछ काम है इस व्लॉग के अलावा तो वो भी करने पड़ते हैं। तो अभी मैं जाफराबाद ही गया हुआ था, कुछ काम था अपना वो निपटा कर अभी लौटा हूँ मैं। और अब मैं या तो मैं लेके जाऊँगा फातिमा को ओखला, या फिर देखते हैं ऑटो करते हैं, अभी पता चल जाएगा आपको जैसे जैसे व्लॉग आगे चलेगा हमारा। लाओ अपने हाथ दिखाओ, अपने हाथ दिखाओ दोनों, चलो चलो ऐसे करके, ये करके। अच्छा अच्छा अच्छा, ये बच्चा आज की दिखाता है, चलो अच्छा गुस्सा दिखा दो गुस्सा। अल्हम्दुलिल्लाह चलो गुस्सा करके दिखाओ। हम्म,
दुर्राटे मार रही है, दुर्राटे मार रही है, दुर्राटे। मनो मनो इधर, मनो इधर, इधर देखो कि उधर मत देखो, आप कैमरे की तरफ मत देखो, आप मुझे पता है कैमरा देखती है ना, सब बंद कर देती हो, गुस्सा करके देखो। जल्दी से जल्दी से जल्दी से गुस्सा करो जल्दी से। अच्छा 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 इधर देखो, अच्छा मुझे देखो, उधर मत देखो, उधर मत देखो यार, ये जवान आप इधर आ जाओ पीछे मेरे, इस साइड आ जाओ, इस साइड में बताओ आपको इशारे से। हाँ अब करो जल्दी से, देखो रैयान गुस्सा कर रही है बहुत। हाँ नो, आप तो बाबू मोबाइल देखने लग जाती हो, इतनी हरकतें करती हो, और जैसे मोबाइल सामने आता है फिर मोबाइल पे नजर है। जल्दी से भैया को गुस्सा करके दिखाता हूँ, कर दो करो करो, जल्दी से करो, जल्दी से करो। अब यार कर देना यार, बेइज्जती करवाती है हमारी यार, और कुछ नहीं। अभी तो आप इतनी हरकतें कर रही थी, जैसे मैंने वीडियो होगा आप चुप हो गए बिल्कुल। देखो वो सर कैमरे पे नजर है उसकी मुस्तकिल, थोड़ा चुप के है ना। मन्नो कहाँ चुप, मेरी मुन्नो आवाज आ गई, आवाज आ गई मोबाइल की। ए मन्नो टुन्नो, ए मन्नो टुन्नो, ए मन्नो टुन्नो, ये पॉलिसी बच्ची, पॉलिसी बच्ची कैसे कहती है, आज के दिखा लो जल्दी से, है ना। देख इसे पता है कि बादाम कच्चा बादाम बोलो, हाँ वही लग गुस्सा आ गया, कच्चा बादाम बोलो, कच्चा बादाम, कच्चा बादाम बोलो, कच्चा बादाम। तो गाइज मेहंदी के कोन देखकर आप लोगों को अंदाज़ा हो गया होगा कि मैं ओखला पहुंच चुका हूं, और अब जो हमारी नई दुल्हन है उनके मेहंदी लगने जा रही है हाथों में पैरों में, और ये जो मेहंदी है ये मेरी भतीजी लगाएगी अलमास, और वो इस काम में बहुत ज़्यादा माहिर है, मगर वो किसी के यहाँ पे जाके मेहंदी नहीं लगाती, वो सिर्फ घर घर में हम लोगों के, मतलब हम लोगों के नहीं, जेंट्स के नहीं, लेडीज़ के लगाती है। और तो इस वजह से मैं ये नहीं कह सकता अपने चैनल पर कि अगर आप लोगों को मेहंदी लगवानी है तो मेरी भतीजी को बुलाइएगा, क्योंकि वो किसी के नहीं लगाती मेहंदी, ये तो सिर्फ वो शौकिया तौर पे वहाँ पे गई थी, और उसने अपनी खुशी से उस हमारी दुल्हन के, मतलब वो उसकी भी मामी लगी है अलमास की भी, तो उनके मेहंदी अपनी खुशी से लगाई है। तो देखिए उनकी कारीगरी थोड़ी सी आप लोग भी देख लीजिए, किस तरह की मेहंदी लगाती है मेरी भतीजी। ये तो निकल भी नहीं रही, ना जी निकल गई, निकल गई, निकल गई, निकल गई, थोड़ा सा ऐसे करते हैं, इससे साफ ऐसे करते, इसको कौन को कहा साफ कर, मैंने मैंने यार लगा के साफ, भाई अलमास देख कितना सफाई लिखा मैंने, थर देखो जरा, वाह भाई वाह, अगर एक बार आप इस पे और कौन चला दोगे और अच्छा लगेगा, वरना हल्का चला दूं हां महात्मा,
इसी को मोटा मोटा कर दूं? हाँ, इस पे कौन चला दो आप? थोड़ा मोटा, थोड़ी ज्यादा से निकाल लो, कम है क्या? नहीं, मुझे डर लग रहा ना, पहली पहली बार है। अन्नो पधार रही है वो और फिर लेडी बुरी है। लेडीज बोल रही है, लेडीज तो अच्छा बोला था मैं। अभी कह रहे थे आप कि बीवी तो क्या कह रहे थे आप बातों में? कह रहा था कि मैं भी भूल गई। ओ यार ये क्या हो गया? नहीं इसकी नाक सही करो, रुदर 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 दिखा 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 क्या हुआ, बिगड़ गया मामला, नाक सही कर। हाँ उसमें से ही ले लो बस। मैं तो कारीगर हूँ, कल से स्टूल देगा मैं बैठूंगा रोहताश नगर जाके। पूरा दिन में सिर्फ 50 की बत्ती आएगी उस साल भर। कल से मैं रोहताश नगर। अब क्या लिखूं? फातिमा या रैयान जवान? नहीं फातिमा यार, फातिमा असर के नीचे फातिमा, फिर रैयान, फिर जवान, फिर हानिया की दुनिया। हाँ अब क्या लिखूं? मकान नंबर है, मकान नंबर लिख के जाएगा रैयान। नहीं ये ऐसा है जैसे हो, नहीं नाम छोड़ा हुआ है, नहीं हाँ अच्छा फातिमा नीचे एड्रेस लिख दूं, जैसे वो पागलों के पीछे ही लिखते थे क्या अगर ये कहीं खो जाए, जैसे पागलों के पीछे ही लिखते थे क्या अगर ये खो जाए तो सब पहुंचा दे एड्रेस पे, यहाँ अच्छा फातिमा यहाँ एड्रेस लिख दो नीचे। मैंने फोन नंबर डाल दो, फोन नंबर डाल दू 98। अच्छा फिर सबके नहीं आने के? तो फिर दूसरा ऐप लिख लेंगे, तीनों नाम इस पे ऐसे नहीं, इस पे अच्छा फातिमा हो गया, उस पे रैयान, इसको कुछ बना दे भैया, हमारा उछाल गिर गया, इसको कोई बना दे, बना दो अलमाज बना दे, इस पे बना, इस पे दिल बनाया था, लाओ चलो दिलाता है कभी वो देखी जगह कुछ और ही बन जाए, कुछ और पहले हमारा ये काम था दिल बनाने का। देखो भैया इधर आया था जो ना ये चलाने का ज्यादा हुनर है, तो हमारे जो पापा थे वो डिजाइनर थे, ये मजाक समझ रही हैं। किस चीज के डिजाइनर थे? अरे बताओ ना भैया, और फोटो दिखाया नहीं, चिकन मशीन के कलाकार थे, डिजाइनर थे बहुत बड़े, हीरो ने तक सूट पहना दिए भाई, मजाक चट गए कभी तो मजाक समझ रही। ये तो हमारे टाइम खराब है, हम बीबी का तो मेहंदी लगा रहे बेटे पे, हमारे पापा तो डिजाइनर थे। तो हेलो दोस्तों, आज संडे मॉर्निंग में हम दोबारा वापस ओखला आ चुके हैं, और अभी जो है हमारी दुल्हन का हाथ लगने जा रहा है, अभी आप लोगों को दिखा दिया है कि यहाँ ओखला जहाज़ भी आते हैं और मेट्रो ट्रेन भी आती है, ये जगह है ओखला विहार, अगर आप लोगों का भी आना हो तो आप जहाज़ में भी टिकट बुक करा सकते हैं, मेट्रो से भी आ सकते हैं हमसे मिलने के लिए। तो आज हम फिलहाल सारा दिन अपना यहीं काटने वाले हैं, अभी मॉर्निंग है, सुबह छत पर हैं हम, और नीचे चल रही है दुल्हन के हाथ लगने की तैयारी। अच्छा मेरे ये समझ में नहीं आया वो हाथ किस तरह से लगता है, क्योंकि हाथ तो हम लगा लगाए लाए थे दुल्हन को, हाथ दोनों लगे हुए थे माशाल्लाह से, उसके दोनों पैर भी लगे हुए थे, मगर अभी किस तरीके से एक हाथ और लगेगा, क्योंकि मेरे हिसाब से फिर वो तीन हाथ हो जाएंगे। खैर जो भी है आज आपको दिखाएंगे तीन हाथ होते हैं या दो हाथ होते हैं। तो अभी चलते हैं नीचे, और नीचे चल रही है यहाँ पर कबाबों की तैयारी, रात का रात में जो खाना है वो तो बाहर बन रहा है, मगर कबाब वगैरह ये सब घर में ही तैयार कर रही हैं हमारी बहनें और फातिमा, सब मिलके सब तैयारियों में लगे हुए हैं। तो जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि यहाँ पर हमारी दुल्हन का हाथ लग चुका है, और अभी ये अपने हाथों से बना रही हैं कस्टर्ड। तो मैं तो सोच रहा था पता नहीं किस तरीके से हाथ लगता होगा, मैं ये सोच रहा था कि शायद गरम गरम भगोना करते होंगे फिर उसके ऊपर दुल्हन के हाथ लगा देते होंगे कि लो भाई हाथ लग गया अब तुम्हारा, मगर खैर ये तो खैर एक मजाक है। या फिर मैं ऐसा भी सोच रहा था कि हो सकता है शायद लड़की वाले एक हाथ और लेकर आएँ अपने साथ, क्योंकि वो लोग आने वाले थे आज,
तो शायद एक हाथ वो और लेकर आए अपने साथ और कहें के लो भाई एक हाथ हमने रोक लिया था, इसका दो हाथ लगा के भेजा था, अब आपकी दुल्हन तीन हाथों की हो चुकी है। खैर गाइस ये तो खैर सब कुछ एक मजाक है, और बस दुआ यही है कि इस दुल्हन के हाथ लगने से इस घर के अंदर मतलब अब सारी जिम्मेदारी हमारे यहाँ हाथ इस वजह से लगा जाता है क्योंकि अब आज से सब खाना पकाने की जिम्मेदारी सारी दुल्हन की। तो बस दुआ यही है कि इनके हाथों की बरकत से इस घर के अंदर कभी कोई कमी ना पड़े, खुशियाँ फैलती रहें चारों तरफ, सबका वैसे माशाल्लाह से बहुत ध्यान रख रही हैं ये और इसी तरीके से रखती रहें, सबको खुश रखें माशाल्लाह से, सब आते जाते रहें। और ये सब आप लोग कैसे देखेंगे, सबसे बड़ी परेशानी तो ये है कि जो लोग हमारे व्यूवर्स जो हैं वो कैसे देखेंगे, वो जब ही देख सकते हैं जब उनके पास हमारा चैनल सब्सक्राइब हुआ हुआ हो और बेल आइकन दबा हुआ हो, क्योंकि हमारा व्लॉग आपको पता है कभी भी आ जाता है एकदम झटके से, जैसे बॉम्बे में बारिश हो जाती है ना कभी भी, ऐसे ही हमारा व्लॉग कभी भी आ जाता है, कोई टाइमिंग नहीं है, कोई दिन नहीं है कि कब आने वाला है। तो अभी खैर आ जाएगा, रफ्ते रफ्ते सब सुधार देंगे लगे हुए किसी कोशिशों के अंदर, आइए खैर इन्जॉय करते हैं। बस दुआ करिएगा आप लोग के आज दुल्हन का हाथ लग चुका है हमारी, और माशाल्लाह से आगे तक वो हमारे आने का इंतज़ार करें और हमेशा हमारे सामने हाथ ऐसे ही लगा लगा के कुछ ना कुछ लजीज खाना हमें खिलाती रहें अपने हाथों से। तो ठीक है गाइज़, अभी है अलविदा कहने का टाइम फिर इनके घर वालों को, अभी ये लोग सब जा रहे हैं क्योंकि इनको मेरठ जाना है, तो इन लोगों को हमने पहले खाना खिला के फारिग कर दिया था क्योंकि एक डेढ़ दो घंटे का सफ़र है कम से कम। तो अभी यहाँ पे फरीन जो हैं वो रो रही हैं अपने भाई से गले लगकर, तो खैर थोड़ा सा इमोशनल मोमेंट है, कोई बात नहीं। अभी गाइज बंद करते हैं इस वीडियो को यहीं पर ही, देखिए मुझे भी सच में रो रहा नहीं भाई। सच में बहुत रोना आया मुझे भी इस मोमेंट्स को देख के। तो अभी बंद करते हैं इस वीडियो को, ठीक है गाइज़ अभी दीजिए हमें इजाज़त, इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में आपसे जल्द से जल्द मुलाकात होगी। बस आप हमारा चैनल सब्सक्राइब करके रखिए और बेल आइकन प्लीज़ दबा लीजिए, क्योंकि मैंने कहा ना हमारी वीडियो कभी भी आ सकती है कभी भी। Close till I get up, time is barely on our side.